नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे सुधा दूध के बढ़े हुए दाम के बारे में। बिहार में महंगाई तो जैसे आसमान छूती जा रही है। पहले पेट्रोल डीजल की कीमत में हुई वृद्धि के बाद से एक तरह से कह रहे हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें जो है उसमें लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा अगर हम वृद्धि देखें तो फल और सब्जियों में देखने को मिली है। पिछले कई दिनों से दाल और फल और सब्जियों की कीमतें लगातार आसमान छूती जा रही है। ऐसे में अब एक बार फिर से दूध पे जो है एक बार बिहार के वासियों को मार झेलनी पड़ेगी। सुधा के दूध की कीमतों में जो है एक बार फिर से इजाफा हुआ है। बिहार में सुधा ब्रांड दूध प्रति लीटर 3 से 4 रुपए महंगा हो गया है। सुधा दूध की नई कीमतें 2 दिन बाद यानी कि 11 नवंबर से लागू हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक बिहार में दूध की कुल खपत में सुधा दूध का हिस्सेदारी लगभग 60% है। ऐसे में इस महंगाई से बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। बता दें कि सुधा दूध की नई कीमत में 1 लीटर दूध की कीमत 46 रुपए है, जो कि अब बढ़कर 49 रुपए हो जाएगा। तो वहीं 43 रुपए वाला दूध जो है वह 46 रुपए में मिलेगा। वहीं आधा लीटर के पैकेट के दूध में भी बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि सुधा ने अपने अन्य उत्पादों की कीमत में भी बढ़ोतरी की है। इससे पहले 7 फरवरी 2021 को भी सुधा दूध की कीमत बढ़ाई गई थी। सुधा पनीर के 200 ग्राम के पैकेट 5 रुपए महंगे हो गए हैं। हालांकि दही और घी की कीमतें नहीं बढ़ाई गई है। 9 महीने में यह दूसरा मौका है जब बिहार में स्टेट मिल्क कोऑपरेशन फेडरेशन लिमिटेड कॉम्फेड की ओर से दूध समेत अन्य उत्पाद के मूल्य में वृद्धि की गई हो। इधर सुधा की बढ़ी हुई कीमत को लेकर यह बताया जा रहा है कि किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। अब आइए एक नज़र हम डाल लेते हैं सुधा के उन उत्पादों के बारे में जिसमें जो है वृद्धि की गई है, उनके दामों में जो है वृद्धि की गई है। टोंड मिल्क 1 लीटर जो कि पुराना रेट है उसमें 41 रुपया और नई कीमत जो होगी वह 43 रुपये होगी। साथ साथ इसमें यह भी कहा गया है कि 41 से लेकर 44 रुपये तक की कीमत 1 लीटर की होगी। अगर आप आधे लीटर की बात करें तो 21 से लेकर 23 रुपये तक की हो सकती है। टोंड मिल्क आधा लीटर जो कि पुराना रेट है वो है 21 रुपये और नई कीमत जो होगी वो है 23 रुपये। स्टैंडर्ड मिल्क 1 लीटर का जो पुराना रेट है वो है 46 रुपये और इसकी जो नई कीमत होगी वो है 49 रुपये। स्टैंडर्ड मिल्क आधा लीटर का जो पुराना जो रेट होगा वो है 23 रुपये और नई कीमत जो होगी वो है 25 रुपये। फुल क्रीम मिल्क 1 लीटर का पुराना रेट है वो 52 रुपये और नई कीमत जो होगी वह 56 रुपये। फुल क्रीम आधा मिल्क आधा लीटर का जो पुराना रेट हुआ 26 रुपया और नई कीमत जो होगी वह 28 रुपया। काओ मिल्क 1 लीटर का जो पुराना रेट हुआ 43 रुपया और नई कीमत जो होगी वह 46 रुपये। काओ मिल्क आधा लीटर का पुराना रेट 22 रुपया है तो वही नई कीमत जो होगी वह 24 रुपया। डबल टोंड मिल्क 1 लीटर का जो पुराना रेट हुआ 37 रुपया और नई कीमत जो होगी वह है 40 रुपया। डबल टोंड मिल्क आधा लीटर पुराना जो रेट होगा वह है 19 रुपये और नई जो कीमत होगी वह है 21 रुपये। टी स्पेशल मिल्क 1 लीटर का जो पुराना रेट है वह है 40 रुपये और नई कीमत जो होगी वह है 43 रुपया। टी स्पेशल मिल्क आधा लीटर पुराना रेट जो होगा वह है 20 रुपया और नई कीमत जो होगी वो है 22 रुपया। तो एक तरह से कह लें कि पहले ही डीजल पेट्रोल के दाम में वृद्धि के बाद फल सब्जियां और दालों और तेल करके खास करके सरसों के तेल में जो लगातार वृद्धि देखी गई उसके बाद से अब जो है दूध की कीमतों में लगातार 3 से 4 रुपये की वृद्धि की गई है। बिहार के लोगों को एक तरह से कह लें कि यह दोहरी मार होगी, क्योंकि दूध जो है एक आम जीवन के लिए जो है आवश्यक वस्तुओं में से एक मानी जाती है। हर परिवार में बच्चा से लेकर बूढ़ा तक जो है दूध का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में जो है एक तरह से कह लें कि दूध की कीमतों में लगातार पिछले 9 महीने में यह दूसरी बार है जब सुधा दूध कंपनी ने जो है दूध की कीमतों में इजाफा किया है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त।